हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होके हम भी अच्छे हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर हमारी ब्लैक टी तैयार है। और ये देखिए, यहाँ पे मेरी और मनराज के पापा के लिए, दोनों के लिए। और यहाँ थोड़ी सी मिक्सचर हम लोगों ने रखी है इसके साथ, ब्लैक टी के साथ। तो चलिए आज हम चाय पीते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। का सबसे गंदा वाला काम कि पानी की बॉटल खाली रहती है और भरने वाला कोई नहीं होता। तो पहले पानी की बॉटल भरती हूँ और यहाँ सामान सारा बिखरा पड़ा है। चाय पहले बनाई थी जनाब, ऐसे ही छोड़ के चले गए। तो इसको भी धो देते हैं और करते हैं अपना काम, ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं। दूध अभी गर्म नहीं है, मैं आज के लिए दूध भी गर्म कर दूँगी। मम्मी नहा रही है जब तक, तो चलिए काम निपटाते हैं अपना। तो मैं यहाँ पर बॉटल भरने से पहले उसको अच्छे से मांझ लूँगी, क्योंकि जब भी हम लोग पानी वानी पीते हैं तो तकरीबन उसमें हाथ वाथ थोड़ा लग जाता है घी वाला। इसलिए मैं बॉटल हमेशा मांझ के और फिर ही भरती हूँ। और यहाँ पे मैंने पानी भर के रखा हुआ था बॉटल के लिए, यहाँ पे मैंने बॉटल भर दी है। तो आज ब्रेकफास्ट बनाएंगे मनराज के पापा। उनकी हेल्प के लिए मैंने प्याज, हरी मिर्ची, धनिया काट के रख दिया। और मनराज के पापा आज बनाएंगे बेसन के चिल्ले, क्योंकि अंडा वगैरह तो अभी हम लोग बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खा रहे हैं। तो बेसन के चिल्ले ही मुझे सबसे इजी लगे कि मनराज के पापा इस टाइम इजीली बना सकते हैं और हम लोगों को खिला देंगे। तो बस आज कह रहे थे मुझे सिखा दो सिखा दो, तो उनको यही सिखाने जा रही हूँ आज मैं। और यहाँ पे उनकी हेल्प के लिए थोड़ा मसाला वसाला मैंने खुद ही डाला था अपने हाथ से, क्योंकि जितनी देर में मैं बताऊँगी ये डालो, इतना डालो, उतना डालो, इतनी देर में मैं खुद ही डाल दूँगी। तो चलिए देखते हैं आज मनराज के पापा कितने हद तक सीख लेते हैं। आज मुझे ही टीचर बनना पड़ा इनका। तो मैंने मसाला वसाला सब डाल के दे दिया था। तो यहाँ पे बस अब वो खुद मिक्स कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे पानी डाल के हेल्प कर रही थी कि इस तरीके से इसे मिक्स करते रहो, मिक्स करते रहो। उन्हें थोड़ा सा टफ लग रहा था कि यार कितना झंझटबाजी होती है। हमेशा जेंट्स लोगों को ऐसे ही लगता है कि खाना बहुत जल्दी बन जाता है, बट ऐसा नहीं होता। हमेशा खाना बनाने में टाइम तो लगता ही है, तो जिसने नहीं बनाया होता उनके लिए तो काफ़ी टफ़ लगता है। तो फ़िलहाल इन्होंने यहाँ पर सारा जो है तैयार कर दिया था बेसन। तो मैंने पहले खुद एक बना के दिखाया कि इस तरीके से आप बनाना, और इसके बाद में इन्होंने खुद बनाया। तो मैंने पहले जो चिल्ला है वो मैंने खुद बनाया, यहाँ पर देख सकते हो आप, मैं ही बना रही हूँ पहले। तो यहाँ पर इनको ये था, अरे तुमने बनाना है तो तुम ही बना लो, मैं नहीं बना रहा। लेकिन ये नहीं था कि पहले देख लेता हूँ कि कैसे बनते। कह रहे नहीं मुझे आता है। इस तरीके से मुझे बोल रहे थे, जैसे छोटे बच्चे वो करते हैं वैसे करते हैं कई बारी। तो ऐसे ही होता है, हर किसी को एक्साइटमेंट होती है ना कि हम कर लेते हैं। बट फिर भी मैंने ही पहले बताया। और उसके बाद यहाँ देख सकते हो अब मनराज के पापा बना रहे हैं। तो यहाँ पर उनको थोड़ा समझाना थोड़ा सा हो जाता है ना, कि भाई पहली बार कोई बनाता है तो थोड़ा सा हवड़ तबड़ हो जाती है। अगर हम खुद अकेले बनाते रहें तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट अगर कोई सर पे खड़ा हो कि नहीं ऐसे करो ऐसे करो, तो थोड़ा सा बंदा पजल हो जाता है। वही हाल मेरे मनराज के पापा का था, थोड़ा सा परेशान हो रहे थे कि तुम एक मिनट चुप रहो, मुझे अपने आप करने दो, मैं अपने आप करूँगा। तो यहाँ देखो उन्होंने जिस तरीके से मैंने बनाया उस तरीके से बनाने की बहुत अच्छी कोशिश करी। और अभी आगे आप देखेंगे कि इन्होंने कैसे बनाए हैं। देखो अभी इन्होंने एक तो फ़िलहाल स्टार्ट कर ही दिया, तवे पे डाल दिया, और यहाँ पर बनाने की कोशिश पूरी पूरी है। थोड़ा सा बिगड़ रहा है, नक्शा बन रहा है, थोड़ा सा तमड़ झमड़ हो रही है, बट फिर भी बहुत ही अच्छी कोशिश है इनकी। यहाँ देखो मैंने फिर भी एक बार फिर मैंने बताया, तो फिर मुझे कह रहे नहीं नहीं मुझे बनाने दो, तुम रहने दो, भी बीच में मत आओ, ये है वो। और यहाँ पे मुझे रिकॉर्डिंग इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ फ़नी बातें होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो नहीं हम शेयर कर सकते, बट फिर भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इन्हें चिल्ला पलटने में थोड़ा सा दिक्कत मुझे लगा कि ना हो, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी इनको हेल्प करके दी। बट बाकी का देख सकते हो आप, इन्होंने कितने अच्छे से बना दिया है। और मैंने इन्हें बस एक ही बनाने दिया, बाकी मैंने नहीं बनाने दिया, क्योंकि जितनी देर में ये बनाएंगे उतनी देर में तो सारा ब्रेकफास्ट तैयार हो जाएगा। तो आज के जो ब्रेकफास्ट है वो मनराज के पापा ने ही मेरी हेल्प करी है, आजकल खुद ही कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं ब्रेड सेक रही हूँ,
यहाँ पे खुद ही मेरी हेल्प करते हैं ब्रेकफास्ट बनाने में। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट ऑलरेडी तैयार हो चुका है, साथ में मनराज के पापा ने चाय भी बना दी है। तो गाइस आज की वीडियो भी बस यहीं तक है, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और ये देखिए मनराज के पापा के हाथ के चिल्ले, ये देखिए कितने अच्छे बनाए हैं। अगर गाइस हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।